वेरी फनी पागल। कपड़ों में कुछ नहीं, चार फ्रॉक, दो टी शर्ट और एक टॉप। अगली बार घर से कंफर्म करके आना है। महंगा रोग एक बार, सस्ता रोग बार बार। हाँ जय सियाराम भाभी। नहीं सही में भाभी, मुझे तो पता ही नहीं है, कैसे भी नहीं मालूम है मुझे तो। और बढ़िया सब? हाँ बढ़िया सब। नहीं ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नीतू है। एक और शादी। The next morning. Hi guys, this is frankly Sakshi. Welcome back to our YouTube channel. तो guys आप लोगों ने good news तो देख ही ली होगी, क्योंकि हमारे भाई की शादी आने वाली है। Real भाई की नहीं, पर हमारे ताऊ जी के लड़के की। और हम लड़के वाले बारात लेकर जाएंगे। और पिछली बार तो हम घर से लेके सिर्फ मैरिज गार्डन तक गए थे, लेकिन इस बार तो एक शहर से लेके दूसरे शहर तक जाएंगे। और भी बहुत सारी तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले अभी बना है नाश्ते में पोहे हैं। और डाइट में कर रही हूँ तो मुझे नाश्ता तो मिलना जरूरी है। क्या कर रही है? कल की न्यूज के बारे में बता रही थी गाइस को। बता दिया? हाँ। तो गाइस ये खत्म करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस आजकल मैं ये वाली वेब सीरीज देख रही हूँ जो है व्हेन वी मीट। और मैं 30 मिनट का एपिसोड होता है, तो मैं इतना ज्यादा तो एक बार में नहीं देख सकती। तो जब भी खाना खाती हूँ मैं 10 मिनट का एपिसोड आई देख ही देती हूँ। चलो चलो मम्मी के पास चलते। ये क्या मम्मी, टमाटर इतने सारे क्यों ले लिए यार? दो दिन में इतना कितना खा पाएंगी? 1.5 किलो टमाटर है यार। फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में। तभी तो मैं बोल रही थी कि आज रहना है, कल रहना है, और परसों तो अपन को जाना ही है। फिर उसका 3 दिन बाद आएंगे तो टमाटर खराब हो जाएंगे। ये नहीं करना, ये पहले कपड़े का तो डिसाइड कर लो। हमने इस बार सोचा है कि कपड़े ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन लेने वाले हैं। बिकॉज ऑनलाइन सारे सेम कपड़े होते हैं ना, इसीलिए पसंद ही नहीं आते हैं। इस बार हम ट्राई करेंगे ऑफलाइन। नहीं, एक रीजन और है ऑफलाइन कपड़े लेने का। टाइम कहाँ है, 2 दिन में कपड़े थोड़ी ना आएंगे, परसों तो जाना ही है। क्यों मम्मी? हाँ ऑनलाइन कपड़े कभी 7 दिन तो लगते ही, हमारे पास 2 दिन भी नहीं है। 7 दिन में तो हम लौट के आ जाएंगे। अरे विश आ गई यार, ये जान मुझ के तोड़ी है। नहीं तोड़ी थी, सॉरी। अब इसको पूछ दी ना, बिचौली की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं। वही पूछने वाली थी, उसने जब तक हटाई थी। कहाँ जाएंगे मम्मी, क्या करेंगे? तुम बताओ क्या क्या फंक्शन बचे रहेंगे 2 तारीख के बाद? 2 तारीख के बाद मंडप, भात और बारात। हाँ तो बस दीदी 3 फंक्शन है पूरे के पूरे। क्या करेंगे अभी, मम्मी को भेज देते हैं, 5 तारीख शादी में जाएंगे, खा पी के ठूस ठास के आ जाएंगे। तुम्हारा तो मेन फंक्शन है बारात। हाँ तो बारात के लिए 2 लहंगे बारात के लिए ले ही लेंगे, ठीक है? ठीक है। और बाकी ये जो 2 लहंगे, एक तेरा एक मेरा, अकेले 2 नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मेरे को लगा 1 का 2 लहंगा। नहीं, मंडप वगैरह वो तो क्या है कि घर में ही होता है ना, तो उसकी उसकी इतनी वो नहीं है, तो एक काम करेंगे, बात वगैरह का प्रोग्राम रहता है, लहंगे वगैरह ले लेंगे। वो ग्रे वाला लहंगा है ना, वो बिल्कुल हल्का है, वो अपन पहन सकते हैं। अरे तो मंडप के दिन पहन लेना उसको, मंडप के दिन पहन। हाँ मंडप की तो डेकोरेट करने की मैं बोल रही हूँ, तो तू मुझे लगा तू शादी के लिए बोल रही है। चलो मम्मी जल्दी से कपड़े देखते हैं, फिर यार डिसाइड करते हैं कि कितने कपड़े लेकर आने। आज फाइनली पता चलेगा कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। मम्मी तैयार हो? सही है, बिल्कुल सही। आज मम्मी की बात लगेगी, क्योंकि मम्मी हमेशा अपन से क्या कहती रहती है, इतने सारे कपड़े हैं कि दुकान लगा लो। आ जाओ जरा, चलो दोनों की कपड़ों की दुकान देखूंगा। आ जाओ जरा। कपड़ों में कुछ नहीं, 4 फ्रॉक, 2 टी-शर्ट और 1 टॉप। टॉप चलो मिलेगा। चलिए चलिए जल्दी, आज मम्मी को पता चली जाए दीदी कि अपने पास कुछ नहीं है, अपन कंगाल भिखारी टोटल है सच में। और पता है सैंडल अपने पास सिर्फ एक है, तेरे पास व्हाइट, मेरे पास ग्रे। आ जाओ दीदी, आ जाओ। सारे झोले उठा के बाहर वाले बेड पे पटको सबसे पहले। तो क्या ये अपना झोला है ना, उठा के रखो। बस ये एक झोला है खुशी, ये लो। ये गड्डी जे लग रही है, दूसरी गड्डी जे लग रही है, इसमें से क्या पहनने लायक है बताओ? जे लग रही है, चौथी जिंसों की भरमार जे लग रही है, हैं? इनमें से क्या पहनना चाहेंगी आप? मम्मी ट्राई करो, मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, एक मिल गया। हाँ हाँ ये ज्यादातर कपड़े खुशी के लिए ही मिलेंगे, मेरे लिए तो वो भी नहीं मिलेंगे। तेरे लिए एक मैंने बताया नया पेंट मंगवाया था, हो सकता है अगर आ जाए तो तेरा लक है, व्हाइट कलर का। बहुत तेरा पेंट है जितनी। मैंने क्या बोल दिया कि मेरे लिए भाई चांस निकलेगा, मेरे ही निकलते सारे। अरे यार
कबूतर हमें इतना परेशान करके रखा है मेरा, हमारे घर से ज्यादा ये मैं मार भी किससे नहीं हूँ खुशी, भगवान कसम में। आ जाया ये क्या कर रहा है गाइस, हमसे ज्यादा ये इनका घर है। एक तो है यार, एक ब्लू वाला है वो कुर्ता, नीचे शरारा, ऊपर जैकेट, तो वो टू डाल लियो। जब तक मम्मी अब दर दाल बना रही है तब तक मैं आपको अपनी ज्वेलरी बताती हूँ कि ज्वेलरी में हमारे पास क्या क्या है और हम सीरियसली क्या पहनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो खुशी का ये रहा, खुशी ये वाला डायमंड का सेट पहनेगी, ये वाली इयरिंग, तू इयरिंग डालेगी, हल्के वाले देखो सबसे ज्यादा इसकी, पता है ये बहुत ज्यादा ही मोटी है, ये मैं पहन के देखती हूँ शायद ये मेरे आ गए। हाँ एक बार ट्राई कर यार, और मेरे लिए तो पतले पतले निकालियो सारे, ये है ना पतला कौन सा, और वो बर्थडे वाला तो बहुत पतला है। गाइस मुझे खुशी ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया था वो इयरिंग जो सबसे पतले, मतलब उनको पहनते में तो लगता नहीं है कि ये इयरिंग पहने भी है, इतने अच्छे लगते हैं। नहीं वो क्या है ना, वो ब्रांड के हैं और सच में कुछ भी ब्रांड की चीज तो अच्छी रहती ही है, मतलब लोकल मार्केट में भी कभी कभी अच्छी मिल जाती है। दीदी इयरिंग पहनते हुए क्या करती रहती हो? नहीं आएगा ये देखो, ये खुशी के इयरिंग जो कि जब हमने 5K का सेलिब्रेशन किया था, आए थे कि उसने ये तब पहने थे। है ना मैन, बहुत सेट हैं अपने पास। सबसे पहले इन सब चीजों को हटाओ, ये बहुत ज्यादा ही जगह घेर रहे हैं। तो खुशी का खुशी एक जल्दी 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 तेरे लिए गिफ्ट है ये इसको खाली कर जल्दी कर ले दीदी अब तू। अरे जानंद को पता है गाइस, मैंने कल दीदी वो मैगी अपन ने जो बनाई थी ना, तो उसमें किसी का कमेंट क्या आता है, मुझसे ही मांग ले तो मेरे पास बहुत मैगी मसाला रखा हुआ। कल मैंने Q&A वाला ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने पूछा आपसे, एक बार बोल क्या दिया कि आप लोग क्वेश्चंस पूछना जो भी आपको पूछना है, तो आपने इतनी सारी लिस्ट बता दी कि मेरे को अब सोचना पड़ रहा है कि इसका आंसर दूं, इसका आंसर दूं, इसका आंसर दूं या इसका आंसर दूं, अगर इसका आंसर दिया तो ये बुरा मान जाएगा, इसका आंसर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। तो सबका आंसर आपका एक प्रॉपर वीडियो में आएगा, लेकिन उससे पहले अभी शादी की तैयारी करने, तो यार शादी करने के बाद चिल मारेंगे तब देंगे आपको आंसर। इस फ्रॉक को दिखा देना अगर हो सके ना मम्मी, तो एक काम करेंगे खुशी, ये जैकेट में नेट की स्लीव्स लगवा लेंगे। आजकल ऐसे ही लहंगा में प्रिंट चल रहा है, ऐसे ही वहां पे वो लहंगा छोड़ो, लेकिन इसके अंदर अगर स्लीव्स हुई तो खुशी अपन चलेंगे आज। नहीं है इसके अंदर स्लीव्स, निकाल के ही रखी है। देख कैसी चमक रही है, देख है? ऐसी भी नहीं वो पसंद मेरी है ना, इसलिए चमक रही है। तो अब तो मैं नौ सोच रही होगा, जब अगर मम्मी ये भी निकाल दी तो लाल वाली भी निकाल दो, फिर पीली नीली हरी सारी निकाल दो। पीली निकल गई, हरी निकल गई, लाल निकल गई, और क्या चाहिए। अब इनमें आ रहा हूँ, आओ एक फ्रॉक देखो जरा शाब। गाइस आप ही बताओ इस फ्रॉक को कितनी बार मैं शादियों में पहन के जा चुकी हूँ, कितनी जगह पहन के गई हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना। एक फ्रॉक जरा ही देख। मम्मी वो तुम कह रही थी पीली इधर से नीली, वो वाली फ्रॉक कौन सी है? पता नहीं कौन सी ड्रेस की बात कर रही है, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया। यहाँ से नीली थी ऐसे, मतलब वो मम्मी 1900 शताब्दी में पहुंच गई तुम। अच्छा हाँ, अब याद आया वो भैया को पहली जॉब पर मतलब उसके कंपनी की तरफ से मिली थी वैन, वो कब की खराब हो गई, वो गरीबों में दार हो गई वो मम्मी। तभी उम्मीद नहीं थी यार कि तुम उस दुकान उस फ्रॉक पे भी पहुंच जाओगी, मेरे को तो याद ही नहीं वो फ्रॉक। जो कपड़े हैं जो इतने कम पड़ रहे हैं का, आज मम्मी के मुंह से निकली गई बस यही कपड़े हैं। हाँ नहीं यही कपड़े हैं, वो तो हर बार निकल दिया, लेकिन बस जो है ना वो अभी निकला है और आज ही निकला है। जा जा हम खुद डिसाइड कर लेंगे अपने कपड़े। सबसे पहले हम शॉर्ट लिस्ट करके रख रहे हैं कपड़ों को, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किसके साथ कौन सा अच्छा लगेगा। दीदी एक दिन ऐसा जरूर होगा कि अपन दोनों ये सेम जैकेट पहनेंगे। हमने सालों पहले डिसाइड किया था कि एक दिन हम सेम ड्रेस पहन के जाएंगे, सेम जैकेट। हाँ जैकेट, और ऐसी नहीं, हमने इसके अलावा एक और जैकेट ली थी जो कि सेम थी। कौन सी? ब्लैक कलर की, याद आ गया? हाँ कौन सी? ब्लैक कलर की ये वाली।
तुम बोल रही थी ना वो वाली फ्रॉक। हाँ, तुम इस फ्रॉक की बात जे वाली जाके कह रही थी। गाइस ये कबाड़ खाने में से निकाली है हमने, वो फ्रॉक है ये। मैं सही घर में पहन रही हूँ, मुखातिब करते हैं नॉर्मल तरीके क्या फर्क बुराई है इस फ्रॉक में, मतलब ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल ट्रेंडिंग लग रहा है, नॉर्मल है, अच्छी लग रही है। मैं तो थक गई यार उसे दिन मंडे। हाँ, 3 तारीख को, 3 तारीख को मंडप है। हाँ तो सुबह कुछ और फिर शाम को कुछ और। तो मंडप में सुबह इस टाइम मंडप गढ़ता है, इस टाइम माड़ा वगैरह देखो। और भगवान करे इस बार मेरा सर नहीं देखो, क्योंकि पिछली बार जो मेरा सर दुखा था, भगवान ब्लॉक छोड़ो स्थिति कपड़े पहनने की भी नहीं हो रही थी। तो कुल मिला के एक इंसान को, यानी कि मुझे या फिर तुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ी कपड़े चाहिए। ये मेन मेन है, एक्स्ट्रा तो गिने ही रहेंगे हमने। तारो लगा तो चल लगा दिया। तो फाइनली गाइस हमारे यहाँ पर कपड़े सिलेक्ट हो गए हैं। अभी ये चुन्नी बची है कि कौन सा लेंगे, के साथ कौन सी चुन्नी चाहिए। अरे यार मम्मी तुम लोग लेट हो गए, वही तो ब्लाउज के लिए। हाँ, तो गाइस ये रहा ब्लाउज, अब इसको हम सिलवाने जा रहे हैं। जल्दी इधर आ आ आ, रुक जा आ। ये क्या करा हुआ है बेटा, ये देखियो साड़ी देखियो, फॉल की पटली मर रही है वैसे। ये सिलेगा किसके नाप का? मेरे को थोड़ा सा ढीला आता है तो चल जाएगा। चल जाए, जो गिरियो मत। मैं फिलहाल बुद्धि मेरी ठोस हो गई है, तो मेरे सभी कुछ ये मत बोल बुद्धि ठोस हो गई है, बोल लगा लगा के खाली हो गई है। हाँ सभी लगा लगा के खाली हो गई है, सही है। मैं 10 घंटे से मतलब 10 चक्कर लगा लिए मैंने। कल लेते तुम लोग कल कर रही ना, अब आज तू तुम्हारा समटा रखा। हाँ यार हम तो खुद ही सोच रहे थे कि आज से शुरू करें। हाँ दीदी क्या लाइयो? दाल चावल। दाल चावल किससे पूछ के लाइयो? पेट से। पेट से आपके लिए रोटी बनी थी, फिर क्यों चावल क्या गिला? खाना ज्योति जल रहा है मेरा, हाथ जल रहा है। सॉरी वो तो थैली थी वरना ब्लाउज पे गिरता ये थे। ठीक है दीदी, चावल तू नहीं खाने वाली थी ना, तूने अपने लिए अलग से रोटी बनवाई थी ना, क्यों फालतू कर रही है? एक और। हाँ तो एक और ही खाओ, बाकी की दे तू। थैंक यू, मतलब खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है चलो मम्मी, चलो चलो, एक बार ही जाना था यार, जल्दी करो यार, गाड़ी की चाबी लेकर आ जल्दी। मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ, मुझे पता था, ये लो। थैंक यू। तो गाइस चलो चलते हैं, बाय बाय बाय। मम्मी पर्स कहाँ गया? अरे जिसमें बोल रहा बाय। लहंगा जो होता है ना उसके ऊपर का दिखा दो, है ना, क्रॉप टॉप बनवाना है। हाँ अब बताओ सिलवाना कैसा है? ये मोटा कपड़ा है, मिलता जुलता कपड़ा भी होगा ना, एक और पीस तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाप के लिए नहीं ले लाए थे हम उस वाला ग्रीन कलर। अरे तो पापा गए तो दीदी को ही भेजी देती हूँ, फिर मैं दीदी और तुम दोनों आ जाना फिर, है ना, देने आ जाना, क्योंकि अगर जल्दी ठीक है। वो लहंगा भी देख जा, आंटी कह रही है कि लहंगे हैं मेरे पास, मैं तो देख लूँ भाई, तो मैं समझ में आए परसों के लिए। तारीख कितनी है परसों? 4 तारीख, मतलब 4 को 3 तारीख को हम जाएंगे और 5 तारीख को आएंगे। हाँ, नहीं हाँ मेरा 2 को बुक है, तू ही चली जा ज्योति। तो गाइस फिलहाल मैं जाती हूँ खुशी को लेने के लिए, तो घर पर जाके मिलते हैं। खुशी पापा आएंगे फिर क्या? उनके पास उनकी चाबी है, महंगी अपनी। ठीक है भाई, बुलेट है दीदी, एक दिन जीवन में अपन बुलेट जरूर चलाएंगे। नमस्ते आंटी। आज मम्मी ने परेशान करवा दिया, करवा दिया परेशान, कल को करवा दिया बेटा। अगर आंटियों को परेशान नहीं हो, कल बेटा कैसे काम चलेगा बताओ।
तो डाल दो रख दो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर गाइस आंटी के पास जो लहंगे रखे थे उन्होंने वो बताए थे और बाकी सब जो थे वो रेंट पर चले गए थे, पर जितने थे उनमें से हमको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। कलर काफी अच्छे हैं। हाँ ये कर लो पहले। हाँ अच्छी, ज्यादा महंगी नहीं है। मैं तो उसने कही थी 400-500 इस रेट में, फैमिली में ही देनी है उसको किसी को। तो गाइस अभी आंटी जी बता रही थी कि इस गली में पता है एक नहीं मतलब 8-10 मगर रहते हैं और इस तालाब में से आते हैं। ये तालाब तो आपने देखा ही होगा जहाँ पर हम फूल चढ़ा रहे थे भगवान का। तो पता है क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं पर वो लेटा होगा और आंटी जी कहीं से आई होंगी तो वो हट ही नहीं रहा। लोग कितने पत्थर मार रहे हैं, कितने कंकड़ मार रहे हैं, हटा ही नहीं। फिर फाइनली खंडे होते ना वो बड़े बड़े पत्थर वो मारे तब जाके वो हटा और आंटी अपने घर गई। वरना आंटी कह रही थी कि मैं इतना डर गई थी बहुत ज़्यादा ही। वो तो कह रही थी कि उनकी नालियों वगैरह में से वो स्नेक्स और वो बड़ी वाली चिपकली आ रही है। वैसे मेरे को देखने हैं, देखना है। वेरी फनी पागल। तो गाइस मैं घर पहुंची वैसे ही ये लोग आ गए। अभी पहुंची है? हाँ जस्ट अभी लॉक खोला है मैंने, एक सेकंड पहले ही। हाँ फ्रिज को खोल दे, कुछ लाइट चल जाएगी। रेड मेरे को ऑरेंज नहीं नहीं होगी, ऑरेंज चाहिए मुझे। तो गाइस हमारे जमाने में ये पेप्सी इतनी छोटी तो कभी नहीं आती थी, या इतनी बड़ी आती थी। ये इतनी बड़ी तो आपके जमाने में कितनी तो बड़ी आती थी? हमारे जमाने ऐसे करती है जैसे कि नया ने कितने साल पुराने हों अपन। वैसे पेप्सी किस किस को पसंद है वो आप कमेंट में जरूर बताना। क्यों पानी वाली क्यों नहीं? खट्टा है खुशी, नहीं पीनी है, चुपचाप आया ऊपर। मैं पापा को बताऊं फिर? नहीं। अच्छा एक काम कर, 10 रुपए की मैं 6 आती है तो 4 पियो, मैं 2 पी लूंगी। एक भी नहीं पीना है तुझको? पी लेना। पागल है खुशी। चलो ना, बहुत टेस्टी लग रही है। नहीं पीना है खुशी। चलो ना। नहीं पागल है खुशी, मजाक नहीं कर रहा मैं। मम्मी मम्मी शांत करवा दे फिर मैं पिला दूंगी। मम्मी जय आलू की कबा दी ले जा। तो गाइस चलते हैं मार्केट। बाय बाय बाय। मार्केट में क्यों जा रहे? मार्केट नहीं जा रहे हैं पहली बात तो अपन। तो कहाँ जा रहे हैं? शॉप पे जा रहे हैं लहंगे की। पता चल गया ना गाइस कहाँ पर जा रहे हैं? पैसे तो ले ले भिखारी। तो गाइस वो मुझसे बोल रही है आप लोगों से नहीं। भैया एक खोल के दिखाओगे क्या? एक खोल के इडली दो दिखाऊंगा, पसंद कर लो। कितने साइज क्या है इसका? एक्सेल एल डबल एक्सेल एम सब है। साइज ऊपर लिखा है, पढ़ के ले लो। हां ये साइज लिखा है एक्सएक्सएल। ओ एक्सेल ले लो, ऊपर लिखा हुआ है। आपके साइज का है आप ले लो ना, आपके साइज का है वो। ये तो ट्रिपल एक्सेल है वो, लार्ज आता है भैया। मुझे देख के यार मुझे लार्ज एक्सेल पता अच्छे थे पहले बैंक की पता चलेगा। एक्सेल है यार, एक्सेल ही तो आएगा और क्या आएगा। मैं अपने लिए लिया आएगा, थोड़ा और ढीला आएगा। पुलिस के पड़ाव ऊपर ना भाई, इधर बोरा सामने, ये इसका एक्स्ट्रा लार्ज है, ये मेरे बराबर आएगा। इसका दिया ही नहीं अंकल, साइज ही नहीं दिया इसका। वो कह रहा है बराबर बराबर है तो फिर बराबर। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई पेरेंट हमसे पूछता है कि हमारी आप जैसी बेटियां हैं क्या, तो आप बताओ कि उस पर क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी एक और बार हुआ था ना जब हम मेले में चॉपर्स खरीद रहे थे, तब एक आंटी ने पूछा कि बेटा मेरी बेटी पे कौन सा अच्छा लगेगा, आप जैसी है बिल्कुल सेम टू सेम। फिर हमने भी उनकी हेल्प कर दी, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। मेरी शॉप है ना बोले एचपी कलेक्शन के नाम से, देखो आराम से आएगा, साइज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
खुली है। कल हम तो वापस जा रहे थे, सोचा कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, तो हम कल आएंगे। Few minutes later. लहंगे के लिए चाहिए थी वो जो लटकने वाली लेस है। तो फिलहाल गाइस हम लटकने वाली लेस लेकर आए हैं और छोटी छोटी बिंदियाँ लेकर नहीं आए हैं, लेने आए हैं। हाँ, मैंने वही बोला, लेकर आए हैं बोला। ओके, तो लेने आए हैं छोटी छोटी बिंदियाँ लेने आए हैं, लेने आए हैं लहंगे के लिए वो जो लटकने वाली लेस होती है ना। कलर कौन सा बेटा? ग्रे सिल्वर, ग्रे पावर, ग्रे और सिल्वर, या फिर ये वाली नहीं, वो आजकल ट्रेंड में चल रही है ना, ये गोल्डन कलर की देखना, नीचे और नीचे इसी के जस्ट नीचे ये तेरे से पूछ रही हूँ, ये चुन्नी वाला कलर है, ये नहीं मोबाइल ही छूटने वाला था। अरे अंकल अगली बार घर से कंफर्म करके आना है कि क्या लेना है। तू कुछ और सोच कर आती है, मैं कुछ और सोच कर आती हूँ। हाँ यही देख, देख ले फिर अगली बार से कंफर्म करके। तूने कौन सी सोची थी वो बता दे पहले, मुझे पता होता मतलब फोटो वगैरह होता तो मैं पहले नहीं बता देती। उनमें से देख वो गोल्डन कलर की देख, वो भी सेम ही है। हाँ। कलर अलग है, घुंगरू वाली, घुंगरू वाली नहीं थी फिर कौन सी थी बता रहे। चल छोड़ के, और अगर दिखी नहीं तो ये हर लाइन पर लगनी चाहिए, इतना चाहिए। इतना कुछ सिल्वर मिल जाएगा। अगर लटकने वाला ट्राई करो, ये ऐसा ही इस जैसा ही लटकने वाला, फिर जी मिलेगा। और ये इस टाइप में ऐसा नहीं मिल पाएगा, मतलब इस कलर में ऐसा नहीं मिल पाएगा। ये गोल्डन और एक सिल्वर दो मंगाते हैं, इस कलर दूसरा कलर मंगाते नहीं हम, ये जी कलर दोनों से बिखनी बिखनी है। हाँ सही, अंकल पानी मिलेगा, प्यास लग रही है, होने वाली है। जरूरी नहीं होता कि अपन वही लगाए जो लटकन लटकन सर, जी भी लगाओ ये भी अच्छा लगेगा। तो गाइस आप कमेंट में जल्दी से बताओ कि ये फ्रॉक आप में से किस किस को पसंद आई। आंटी का तजुर्बा बोलता है कि यही अच्छी लगेगी। जी अपन कुछ लुक भी तो देखेंगे ना, पर डिसाइड तो यही कर कर आए थे कि ये वाला और सिल्वर कलर में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सही है, सिल्वर और इसमें यही वो तो सिल्वर मिल जाएगा, पर जी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर खुशी को पता चल गया था कि मेरी तबीयत खराब होने ही वाली है। ये ले चलते, तो बोलेंगे सुन, तो ये बोलेंगे कि मेडिकल अंकल ये पेशेंट रहा, इसके हिसाब से दवाई दे दो। नो रिएक्शन, माय बेइज्जती ले लिया। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और जो हमने सूट लिए थे वो हमारी पसंद से थे। आई थिंक मम्मी को भी पसंद आते हैं नहीं आते हैं पता नहीं, लेकिन देखते हैं। चलो मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। तुम्हें पता चल गया था कि हम आ गए कि नहीं आए? तो मम्मी पता है हमने दो कुर्ते खरीदे हैं, अब तुम बताना कि हमारी पसंद अच्छी हो गई है या फिर नहीं हुई है, या फिर हम अभी भी ठेठ हैं। ये वाला दीदी का, ये मेरा है, ये दीदी का है। कहाँ पे खरीदे हैं? अच्छी है कि नहीं है पहले बता। अच्छी सही में साइज वाइज डबल एक्सेल? हाँ, मेरा एक्सेल है, दीदी का डबल एक्सेल है। बताओ ये दोनों कुर्ते, ठीक है पहन के तो बताएंगे, लेकिन 10 में से कितने मार्क्स, किसको कितने मार्क्स बताओ? 110 मार्क्स, मतलब ज्यादा ही अच्छे आ गए। अभी देख तो वो पहन तो लेने दो, तब जाके समझ आएगा। ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा खुशी? अरे बहुत ढीला है, अपन को इसे एक्सचेंज करके। ठीक है तो ये वाला एक्सचेंज कर लेंगे, और गाइस मैं जरा चेंज कर आती हूँ। मेरा कुर्ता तो फटा निकला यार, मतलब फ्रॉड निकल गए। सीरियसली यार 200 रुपए बेफालतू में चले गए, आज से कान पकड़ते हैं कभी भी सस्ती माल नहीं खरीदे। खुशी का बहुत ज्यादा ढीला है, मेरा फटा हुआ है, सॉरी मम्मी। वो कहते हैं ना महंगा रोग एक बार, सस्ता रोग बार बार। तो गाइस यहाँ पर खुशी खाना खा रही है, देखो विष्णु भगवान की तरह, ऐसे कौन खाता है तमीज से उठ के नहीं खा सकती। जब ज्यादा थक जाते हैं ना तो वैसे ही खाते हैं। मम्मी गर्म गर्म रोटी लेकर आ रही है इसके लिए। मम्मी लगो चाटा ही खींच के, गंदी बात बहुत ज्यादा करती है। तू हमेशा मम्मी को भड़काता। अच्छे से खा, ऐसे प्रेम से खाते हैं रोटी। हाँ खाने को इज्जत देना,
ये देखो नमकीन खाना है इनको, नमकीन। इसको पता चला है कि मैं नहीं खा रही हूँ तो इसको अचार भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए। कितनी बेकार है यार आज। बीमार इंसानों को खाना नहीं दिया जाता है। हम बीमार नहीं हैं, तुम ही हो बीमार। खैर छोड़ो गाइस, ये पंचायत तो चलती रहेगी, बाकी आज के ब्लॉग को यहीं विराम करते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय बाय। और शादी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, और लहंगा देखने के लिए तो आप लोग रहते ही हो एक्साइटेड, तो चलो मिलते हैं, बाय।